अगर आपने कॉलेज के दिन हॉस्टल में बिताए हैं, भोपाल ही कुछ अलग होते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई अगर अपने हॉस्टल में रह के की हो, उसकी बात ही कुछ अलग है। और मैंने तो अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रह के किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कॉलेज की लाइफ, अगर हॉस्टल लाइफ क्या होती है। क्योंकि जो लोग घर में रह के पढ़ते हैं और हॉस्टल में रह के जो पढ़ते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दरअसल वही चीज़ इस पिक्चर में दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। आज मैं बात करने वाला हूँ छिछोरे पिक्चर के बारे में, इस पिक्चर के ट्रेलर के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हीरो की एंट्री होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत, और इसमें जो हीरोइन शारदा कपूर और वरुण शर्मा लोग, और काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं। और मतलब किस कॉलेज लाइफ के बारे में स्पेसिफिक किया गया है, जिस तरह हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ दोनों इसमें बताया गया है। अगर जो लोग हॉस्टल में रह चुके हैं, उन लोग के लिए तो ऐसा लगेगा जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गए, ऐसा लगेगा। क्योंकि जो बंदा हॉस्टल में रह के सीखता है, वो घर में रह के नहीं सीख पाएगा। जी हाँ, जो लोग मेरी तरह हॉस्टल में जो रह चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह सोच के देखेंगे, एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि हाँ भाई, बंदा सही कह रहा है। ये पूरा जो हॉस्टल लाइफ इसमें स्पेसिफाई किया है, इसमें बताया गया है, काफ़ी अच्छा है। पर एक इसमें एक छोटी सी कमी रही कि इसमें हीरोइन एक ही दिखाते हैं, आजू बाजू उनके कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। बस शुरुआत से लेके अंत तक ट्रेलर में हीरोइन को अकेले ही दिखाया गया है, उनके साथ उनकी कोई दोस्त या कोई ऐसा नहीं दिखाया गया है। बाकी ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है, एकदम हॉस्टल लाइफ पूरी का पूरा डिफाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। दंगल पिक्चर के डायरेक्टर ने ही इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है। देखते हैं कितनी अच्छी कॉमेडी और कितना अच्छा एक्शन इसमें दिखाया है। बाकी ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी देखने लायक है। आपको अच्छा लगा तो आप भी देखिए और मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल सत्या रिव्यू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर, बाय।